MCU अपने फ्रेंचाइजीज के एक हिस्से के संबंध में खलनायक की समस्या है, लेकिन ऐसा कुछ आयरन मैन 4 ठीक कर सकता है, क्योंकि MCU ने 2008 में आयरन मैन के साथ शुरुआत की थी। मार्वल कॉमिक्स के अनुकूलित लाइव एक्शन खलनायकों की संख्या बहुत अधिक है। हालांकि संस्थापक एवेंजर्स ने भी सभी के कई एकल फिल्म नहीं है जिसमें स्वयं आयरन मैन भी शामिल है, जिसमें से प्रत्येक में नायकों को एक नए और उससे भी बड़े खतरे के खिलाड़ी खड़ा करने की प्रवृत्ति होती है। इनमें से कुछ खलनायक जैसे लोकी चले जाएंगे अपने विरोधियों की तरह ही प्रतिष्ठित बन रहे हैं। आयरन मैन की MCU विरासत आज भी MCU में प्रभाव डाल रही है कथा के हिस्से में के रूप में और MCU के प्रति के पीछे पॉप संस्कृति में अपेक्ष अस्पष्टता से MCU के सबसे प्रतिष्ठित पात्रों में से एक के रूप में उभरने के बाद टोनी स्टार्क की अनुपस्थिति एवेंजर्स में परिभाषित बलिदान एंड गेम ने MCU की लोकप्रियता पर भारी प्रभाव डाला है, जिसे हाल ही में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस बम का सामना करना पड़ा। हालांकि आयरन मैन की दोस्त गैलरी के लिए वही स्रोत मौजूद नहीं है जो आसानी से MCU में सबसे निराशाजनक है। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।